Hello students, how are you all? Hope you all are good. Our fourth chapter is Feeding Habits of Animals. इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट हार्ड वर्ड्स को उतारना है, देन आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की हैबिट्स या फीडिंग हैबिट्स या जो वो खाते हैं. हैबिट्स का मतलब होता है आदत, फीडिंग का मतलब है खाने की आदत. एनिमल्स को जो आदत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो किस टाइप का फूड खाते हैं, कौन कौन से एनिमल क्या क्या खाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड वर्क. एनिमल्स नीड, फर्स्ट हमारा है फूड. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड वर्क. एनिमल्स को फूड की जरूरत क्यों होती है, फॉर ग्रो, बढ़ने के लिए और काम करने के लिए. जैसे हमें भी फूड की जरूरत क्यों होती है, टू ग्रो एंड वर्क. वी नीड फूड फॉर ग्रो एंड वर्क. एनिमल ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रो एंड वर्क, बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स. इन्हें भी, एनिमल्स को क्या होती है, फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और वर्क करने के लिए, बट वो हमारी तरह या प्लांट्स की तरह खुद खाना या फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. अगर हमको भूख लगती है, हमें भूख लगती है घर में, तो हम क्या करते हैं, मम्मी से कहते हैं कि मम्मी खाना बना दो, तो हम खा लेते हैं. लेकिन एनिमल्स क्या कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं बोल सकते ना अपनी मम्मियों को कि आप खाना बना दो, क्योंकि एनिमल्स खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं या फूड मेक नहीं करते हैं. सो दे वॉन्डर इन सर्च ऑफ फूड. वो क्या करते हैं, फूड की तलाश में इधर उधर भटकते हैं. सम ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं. वाइल अदर ईट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स, दूसरे जो जानवर होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स तो क्या खाते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, खुद ही एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. यट अदर ईट बोथ, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स. यहाँ पे क्या है, एनिमल्स के थ्री टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स. उनके भोजन और भोजन की आदतों से उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, थ्री. फर्स्ट है हर्बिवोर्स. प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बिवोर्स. रैबिट, गोट, cow, horse, elephant, etc. Plants eating animals, यानी कि जो प्लांट खाते हैं वे एनिमल्स, जो प्लांट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, herbivores. Like rabbit, goat, cow, horse, elephant क्या खाती है, घास खाते हैं. Eat grass and other plants. ये क्या करते हैं, घास खाते हैं और other plants को खाते हैं. Birds like house sparrow end up eat food grains. House sparrow जो होती है वो, और जो dove होते हैं, ये जो birds है वो क्या होती है, food grains को खाती है. Herbivores में क्या है, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवर्स. नेक्स्ट है कार्निवर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एनिमल्स जो एनिमल्स को ही खाते हैं,
वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं, और वो जो एनिमल्स को ही खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं, लाइक टाइगर, लायन, फॉक्स, स्नेक, फ्रॉग एंड आर फ्लैश ईटर। ये क्या है? कार्निवोरस है। कार्निवोरस के अंदर क्या क्या है? टाइगर, लायन, फॉक्स, स्नेक एंड फ्रॉग। हर्बीवोरस के अंदर है काउ, रैबिट, एलिफेंट, गोट एंड हॉर्स। ओमनीवोरस है, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। एनिमल्स विच ईट बोथ, एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। आर कॉल्ड ओमनीवोरस, लाइक बियर, कैट, क्रो एटसेट्रा। Eat flesh and plants both. ये क्या करते हैं? ये plants भी खाते हैं और animals के flesh को भी खाते हैं। Next है food chain. Food chain. Deer eats plant. Deer eat plant. This system and lion eats deer. Lion eats deer. This system is called food chain. Food chain का क्या मतलब हुआ? Deer. एक हिरन क्या खाता है? हिरन खाता है plants को. And lion जो है वो किसको खाता है? हिरन को, deer को खाता है. तो ये क्या हो गया? Food chain. Likewise, a frog eats insects. फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है। एंड स्नेक, एक सांप क्या करता है? फ्रॉग को खाता है। ये भी क्या हो गया? फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल माउस जो है वो क्या करता है? क्या खाता है? वो रोटी खाता है, कपड़ा खाता है या कुछ भी खा लेता है। कैट क्या करती है? वो माउस को खाती है। एंड डॉग जो है वो क्या करता है? वो कैट को खाता है। ये क्या हो गया? फूड चेन। फूड चेन। लाइक फिश, फिश क्या करती है? फिश खाती है प्लांट को। एंड फिश को कौन खाता है? फिश को बर्ड्स भी खाते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब हुआ? लाइक कोई भी एक एनिमल है वो क्या कर रहा है? प्लांट या किसी चीज को या किसी एनिमल को खा रहा है, उसको कोई दूसरा एनिमल खा रहा है। एंड जो एनिमल लाइक माउस खा रहा है रोटी को, कैट खा रहे माउस को, एंड डॉग किसको खा रहा है? कैट को। तो ये क्या हो गया? फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड। एनिमल्स लाइक कैमल, मोल्स, हॉर्स एंड ऑक्सन हेल्प अस टू कैरी लोड्स। हमको क्या मदद करते हैं? ये क्या है? खच्चर। खच्चर आपने देखा होगा, खच्चर होता है पहाड़ी एरिया में या हिल्स स्टेशन में जब हम जाते हैं तो हमें ऊपर चढ़ने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? खच्चर की, मोल्स की जरूरत होती है। एनिमल्स लाइक कैमल्स, हॉर्स एंड ऑक्सन हेल्प अस टू कैरी लोड्स। ये क्या मदद करते हैं हमको? एनर्जी गिविंग फूड का मतलब है फूड जिनसे एनर्जी मिलती है। एनिमल्स और ये जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? हमें
हमारा सामान उठाने में ये मदद करते हैं। दे ऑल्सो वर्क एट द फार्म, ये क्या करते हैं, किसी फार्म में भी काम करने के लिए काम आते हैं। दे नीड मच एनर्जी टू डू अलॉट ऑफ वर्क, उनको क्या जरूरत होती है, किसी काम को करने के लिए उनको ज्यादा जरूरत होती है किसकी, एनर्जी की। अगर हम बीमार हैं और हमको कोई बोले कि आपको एक टेबल को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कम होती है उस टाइम। लेकिन अगर हमारे पास, हमने अच्छा सा खाना खाया है, बहुत सारा हमने पेट भर के हमने खाना खाया, हमारे पास बहुत एनर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। They should be given greens and oil seeds cake in their food. उनको खाने में क्या मिलता है, greens and oil seed cake. Energy giving food में क्या है, animals जो हैं, जो हमें help करते हैं, हमारा सामान उठाने में मदद करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या जरूरत होती है, ज्यादा energy की जरूरत होती है, तो वो क्या खाते हैं उसके लिए, ग्रेन्स और ऑयल सीड्स के। नेक्स्ट है मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क। क्या है मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड का मतलब है, वो मिल्क जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं, काउ है, गोट है, बफेलो है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, फूड मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क, हमें कौन दूध देता है, काउ दूध देती है, बफेलो यानी भैंस दूध देती है, एंड गोट्स यानी बकरी भी हमें दूध देती है। दे नीड फूड which help them to produce more milk, उनको कौन सा फूड चाहिए जो उनकी मदद करे ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में। जैसे कोई काउ है वो हमें मिल्क देती है, उसका हम जो सुबह हम मिल्क या दूध पीते हैं वो किसका होता है, काउ का होता है, तो उस काउ को ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, स्पेशल फूड की जरूरत होती है, उसका एक अलग फूड होता है जिसकी उसको जरूरत होती है। दे शुड बी गिवन, उसके लिए उनको क्या जरूरत होती है, फ्रेश ग्रास की, लीव्स की, ऑयल केक्स की एंड कॉटन सीड्स की। ये क्या खाती है ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रेश ग्रास, लीव्स, ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड्स। फीडिंग हैबिट्स, एनिमल्स हैव माउथ पार्ट, टीथ, टंग एटसेट्रा suited to their feeding habits. Animals के पास क्या होता है, माउथ होता है, टीथ होता है, टंग होता है, वो भी उनके क्या होता है, फीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, जैसे कि हम हैं, तो हमारे टीथ कैसे हैं, हमारे टीथ एनिमल्स के मुकाबले अलग है ना, सेम तो है नहीं, क्योंकि हमारी फीडिंग हैबिट्स जो है वो अलग है, हम घास नहीं खाते हैं, हम सीड्स नहीं खाते हैं, हम लीव्स नहीं खाते हैं, तो हमारे टीथ और उनके टीथ भी क्या हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ टीथ, टीथ आर दिस काइंड्स, टीथ आर ऑफ थ्री काइंड्स, फर्स्ट इज कटिंग टीथ, सेकंड इज टियरिंग टीथ, थर्ड इज ग्राइंडिंग टीथ। कटिंग टीथ जो है वो क्या है, शार्प, थिन एंड फ्लैट। टियरिंग टीथ है लॉन्ग, पॉइंटेड एंड कर्व्ड, और ग्राइंडिंग टीथ है ब्रॉड एंड फ्लैट। कटिंग टीथ, टियरिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। टीथ ऑफ हर्बीवोर्स, एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, रैबिट्स एंड रैट्स हैव शार्प, थिन एंड फ्लैट फ्रंट टीथ फॉर कटिंग द नट्स एंड ग्रीन्स। हर्बीवोर्स के कैसे टीथ होते हैं, शार्प, फ्लैट एंड थिन, इसका क्या मतलब हुआ, उनके कैसे टीथ होते हैं, कटिंग टीथ, कटिंग टीथ।
उनके कटिंग टीथ क्यों होते हैं? क्योंकि इनको क्या करना होता है, नट्स और ग्रीन्स को क्या करना होता है, कट करना होता है। इसीलिए इनके फर्स्ट के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प, थिन और फ्लैट। प्लांट्स एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोस एंड हॉर्स हैव शार्प, थिन एंड फ्लैट फ्रंट टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स। काउ, बफेलोस और हॉर्स के कैसे टीथ होते हैं, कटिंग टीथ। क्यों? क्योंकि उनको घास को काटना होता है। दे हैव ब्रॉड फ्लैट बैक टीथ टू ग्राइंड थ्रो प्लांट्स पार्ट्स। काउ के क्या होते हैं, कटिंग टीथ भी होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ भी होता है। फ्रंट टीथ जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं। फ्रंट टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घास को काटना होता है। एंड नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग टीथ क्यों होते हैं, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए, वो जो लीव्स खाते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए उनके टीथ, बैक के जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। सम हर्बीवर्स ईट प्लांट्स हरिंगली फॉर फियर ऑफ कार्निवोरस, दे कट एंड ईट अ लॉट ऑफ फूड इन अ शॉर्ट टाइम। हर्बीवर्स क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा कार्निवोरस के डर में आके वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फूड क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। एट एनी सेफ टाइम दे ब्रिंग द स्वेलोड फूड बैक इन टू देयर माउथ एंड च्यू इट वेल विद द ग्राइंडिंग टिप। ये क्या करते हैं, किसी सेफ टाइम पे ये क्या करते हैं, बहुत सारा फूड अपने माउथ में कलेक्ट कर लेते हैं, अपने मुंह में भर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको चबाते रहते हैं अपनी ग्राइंडिंग टिप से। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ द कर्ड। क्या कहलाता है ये, च्यूइंग ऑफ द कर्ड। काउ, बफेलो, हॉर्स, डियर एटसेट्रा आर कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। कौन कौन से कर्ड च्यूइंग एनिमल्स है, काउ, बफेलो, हॉर्स, डियर। दीज एनिमल्स हैव हूफ्ड लेग्स। दीज एनिमल्स हैव हूफ्ड लेग। इनके कैसे लेग्स होते हैं, हूफ्ड लेग्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है फीडिंग एनिमल, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, फूड किस तरह का फूड खाते हैं, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, एंड ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। फूड चेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, डियर क्या खाता है, प्लांट खाता है, एंड लायन क्या करता है, डियर को खाता है, ये क्या कहलाता है, फूड चेन। एनर्जी गिविंग फूड का क्या मतलब था, जो एनिमल्स हमको कैरी करने में, हमारा वजन कैरी करने में या हमारा लोड्स को कैरी करने में हमें मदद करते हैं, उनके फूड क्या होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या खाते हैं, ग्रीन्स और ऑयल सीड्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड जो है वो क्या है, जो काऊ है उसको मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए किसी स्पेशल फूड की ज़रूरत होती है, वो क्या है, फ्रेश घास, लीव्स, ऑयल केक्स और कॉटन सीड्स। यूज ऑफ टीथ के बारे में हमने पढ़ा था, थ्री टाइप्स ऑफ टीथ, कटिंग टीथ, टियरिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ। हमने फर्स्ट कटिंग टीथ के बारे में देखा है, जो होते हैं टीथ ऑफ हर्बीवोरस के, हर्बीवोरस के टीथ जो होते हैं वो कटिंग टीथ और ग्राइंडिंग टीथ दोनों होते हैं। फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं और बैक के जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टीथ ऑफ कार्निवोरस। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें अच्छे से और इसे समझें और सेफ रहें। थैंक यू।